ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं और ये अनसॉल्व होती हैं और हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं और हमें उसके बारे में फिर से सुनने को नहीं मिलता, और ये मिस्ट्रीज अनसॉल्व ही रह जाती हैं। इनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता होता है, और जब हमें कुछ पता चलता है तो वो ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं होती है, और इसलिए फैंस अपनी थ्योरीज बनाती हैं ताकि वो इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें। और इसी तरह आज मैं तुम्हें टॉप 10 मिस्ट्रीज बताने वाला हूँ जो कि अनसॉल्व हैं और उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि आज हमारे साथ हैं वजीटा ब्लैक। हेलो सेंस और डॉर्बी, तो कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइस मैं हूँ वेजिटा ब्लैक। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे बिकॉज या तो आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आप प्रोबेबली मुझे जानते ही होंगे मेरे चैनल वेजिटा ब्लैक से। तो गाइस अगर आप लोगों ने अब तक सेंस वॉर्ड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है बिकॉज हम लोग आज काफ़ी सारी थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। एंड हाँ, ये हमारा पहला पहला 7 का कोलैब है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लास्ट से मेरे चैनल को एंड सेंस वॉर्ड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गो। नंबर 1, क्या वजीटा का भाई टार्बल कैनन है? हमें पता है कि गो के पास एक भाई था जिसका नाम था रेडिट्स, और सेयन सागा में वो मारा गया था। लेकिन इसी तरह वजीटा के पास भी एक भाई था और उसका नाम था टार्बल। उसका पावर लेवल बहुत ही कम था, इसलिए किंग वजीटा ने उसको प्लेनेट से बाहर ही निकाल दिया। वो बाकी सारे सेंस के मुकाबले बहुत ही कमजोर है, और वो वजीटा के मुकाबले बहुत ही कमजोर है जबकि वो उसका भाई है। और वो हमें पहली बार एक टीवी स्पेशल में दिखा था जहाँ पर हम लोग उसको पहली बार देखते हैं, और वो वजीटा के मुकाबले बहुत ही कमजोर होता है, और इसलिए वो वजीटा से हेल्प मांगने आता है। ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर भी वजीटा उसके बारे में बात करता है, और इसके अलावा हमें वो कभी नहीं देखने को मिलता है। वो दूसरे सेंस के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रेनिंग करके और स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, बिल्कुल गो की तरह। वो हमें ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी देखने को नहीं मिला और ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर भी देखने को नहीं मिला। वो हमें सिर्फ एक ओवीए में दिखा था, यू सन गोकू एंड हिज फ्रेंड्स रिटर्न, और इसका इंग्लिश डब भी नहीं है। तो वजीटा का भाई एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता वो कहाँ पर है और वो किस प्लान पर रहता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा भी। नंबर 2, तो यार अभी हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या सेयंस स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का टॉपिक है बिकॉज हमने आज तक काफ़ी सारे सेयंस देखे हैं जो कि स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे सेयंस भी हैं जिनको हमने एनिमे एंड प्लस गेम्स में भी देखा है। तो आखिर ये बात क्या सेंस बनाती है? सेयंस ह्यूमंस के मुकाबले थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन क्या वो स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं? बहुत मोमेंट्स पर सेयंस स्पेस में ब्रीथ करते हैं, जैसे कि बारडॉक ने जब फ्रीजा से फाइट की थी, जब उसे पता चला था कि कैसे फ्रीजा उसको बिट्रे करने वाला है एंड सेयंस को एलिमिनेट करने वाला है, तो उसने अपने डिफेंड के लिए उससे फाइट की थी एंड वो उस टाइम पे भी स्पेस के अंदर ब्रीथ कर पाया था एंड फ्रीजा से फाइट कर पाया था, ऐसे ही हुआ था। लेकिन वेजिटा के हिसाब से सेयंस जो हैं वो स्पेस में ब्रीथ नहीं कर सकते, जो कि वो मोरो आर्क में बोलता है। साथ ही साथ नेमिक सावा पर भी फ्रीजा बोलता है कि सेयंस स्पेस में यानी वैक्यूम ऑफ स्पेस के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकते और ना ही सरवाइव कर सकते हैं। तो आखिर ये दो चीज़ें जो हैं ये सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना रही हैं। मगर अगर ऐसा ही है कि सेयंस स्पेस में ब्रीथ नहीं कर सकते, बट अगर हम आगे चलें तो ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू और बीरस की भी फाइट हुई थी स्पेस के अंदर, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर में टेक प्लेस करती है, जो कि फ्रीजा बू और सेल सागा के बाद की कहानी है, यानी तीनों सागा से बहुत ही ज़्यादा के बाद की कहानी है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? बगैर किसी स्पेस सूट के एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बगैर स्पेस के अंदर लॉर्ड बीरस से फाइट कर रहा था वेजिटा, बिना किसी स्पेस सूट के स्पेस में घूम रहा था, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि यार सेयंस स्पेस में ब्रीथ कर सकते हैं या फिर नहीं। और अगर ऐसी बात है तो ये शायद बैड करेक्टर राइटिंग के बारे में हो सकता है, या फिर राइटर्स भूल गए होंगे, या प्रोबेबली अकीरा टोरियामा ही भूल गए होंगे कि आखिर ऐसा भी कुछ करना है, बिकॉज हम फैंस तो इस बात को जानते ही हैं कि अकीरा टोरियामा थोड़े से बुलक्कड़ हैं। नंबर 3, क्या ड्रैगन बॉल जी की एंडिंग कैनन है? ड्रैगन बॉल जी के एंड में जब गोकू किड बू को हरा लेता है तो हमें एक टाइम स्किप देखने को मिलता है, और वो होता है 10 ईयर टाइम स्किप, जिसमें गोकू अपने कपड़े बदल देता है और अब उसके कपड़े का कलर होता है ब्लू। वहीं हमें पैन भी देखने को मिलती है और हमें बुला भी देखने को मिलती है, और इसी 10 ईयर टाइम स्किप के अंदर गोकू ऊ से लड़ता है और वो ऊ को अपने साथ ले जाता है ताकि उसको ट्रेन कर सके। लेकिन क्या ये कैनन है? क्योंकि इसके अंदर बुलमा बोलती है कि वो गोकू से बहुत टाइम से नहीं मिली, जबकि ड्रैगन बॉल सुपर इन 10 ईयर्स के बीच में ही टेक प्लेस करता है।
और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर बुलमा और गोकू हमेशा मिलते रहते हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। गोकू कुछ मंथ के लिए बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग करता है लेकिन वो वापस आ ही जाता है। और इस 10 ईयर टाइम स्किप के अंदर बुलमा बहुत ही ओल्ड होती है, जबकि ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो में हमने देखा था कि वो ड्रैगन बॉल यूज करके अपने आप को फिर से यंग बना रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो शायद आगे जाकर ड्रैगन बॉल Z की एंडिंग को चेंज कर दिया जाएगा या फिर उसको शुरू से बनाया जाएगा, लेकिन ये तो बस थ्योरीज हैं, लेकिन आगे जाकर हमें जरूर पता चल जाएगा। नंबर 4। तो गाइस एक और टॉपिक भी है और ये एक और थ्योरी काफी कमाल की है कि डायनासोर्स ड्रैगन बॉल के अंदर अभी तक कैसे जिंदा हैं। बिकॉज ड्रैगन बॉल सुपर में हमने देखा था कि बीरस हमें फर्स्ट टाइम जो देखने को मिला था वो यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एंड ऑफ कोर्स ये बात हम सब लोग जानते हैं कि क्योंकि वो एक डिस्ट्रॉयर हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो सारे प्लैनेट्स पे नज़र रखें और उनको इरेज भी करें और ताकि कायोशिन्स नए यूनिवर्स बना पाएं। बट जब उन्होंने प्लैनेट अर्थ का सुना तो वो बोलते हैं कि वो उस प्लैनेट पर जा चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने ही सारे डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट कर दिया था। बट ड्रैगन बॉल Z में हमें डायनासोर देखने को मिले थे, जबकि बीरस के हिसाब से वो सारे डायनासोर्स तो पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, मगर शायद बीरस ने सिर्फ कुछ ही डायनासोर्स को मारा होगा और उसे ठीक से याद ना हो, क्योंकि हमें पता है बीरस जो हैं वो काफ़ी साल से यानी काफ़ी मिलियन साल से जिंदा हैं, तो हो सकता है उनकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो और इसी वजह से वो भूल गए हो। बिकॉज हमें ये बात एनीमे और मांगा और ड्रैगन बॉल Z में बैटल ऑफ गॉड्स में भी बोलते हैं वो यही बात। बट अगर हम ड्रैगन बॉल के अंदर डायनासोर में नज़र डालें तो गोहान के पास एक उसका दोस्त था जो कि पेट था इक्वेरस, वो भी एक तरीके से ड्रैगन ही कहलाता है। तो हाँ, ये बात थोड़ा मुश्किल है कि ड्रैगन बॉल के अंदर अब तक डायनासोर कैसे जिंदा है। नंबर 5। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे अचीव किया? ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जब गोकू जीने से लड़ रहा होता है तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और तभी वो एक स्पिरिट बॉम्ब चार्ज करता है ताकि वो उससे जीरन को हरा सके और वो सबकी एनर्जी ले लेता है यूनिवर्स 7 के सब फाइटर से और वो उसको जीरन पे फेंक देता है, लेकिन वो जीरन के सामने कुछ नहीं करता और गोकू अपनी स्पिरिट बॉम्ब में गिर जाता है और इससे उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता बल्कि गोकू वापस आता है वो भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हमें ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। बाद में वीस बोलता भी है कि गोकू ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, लेकिन उसने कैसे करी? क्या स्पिरिट बॉम्ब में गिरने से उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया या फिर कुछ और हुआ? मांगा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मांगा के अंदर गोकू इस तरीके से नहीं पाता, तो ये सिर्फ एनीमे के अंदर होता है और एनीमे के अंदर हमें ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया और ये सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल स्पिरिट बॉम्ब नहीं था बल्कि वो बहुत ही पावरफुल था और जीरन की वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन गोकू ने उसको कैसे सर्वाइव किया ये कोई नहीं बता सकता और इसलिए ये ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। नंबर 6। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम एक और टॉपिक की तरफ। अब मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि सेयंस की टेल गायब क्यों हो गई, क्योंकि सेयंस जो हैं वो पैदा ही टेल के साथ होते हैं एंड हमने ड्रैगन बॉल Z एंड ड्रैगन बॉल सुपर में भी देखा है कि कैसे सेयंस की टेल होती है एंड वो उनकी पावर का एक काफ़ी स्पेशल हिस्सा होती है बिकॉज वो उनको औजारों में टर्न होने में हेल्प करती है। गोकू जब से एक बच्चा था तभी उसके पास भी एक टेल थी और जब भी उसकी टेल काटी जाती थी वो वापस रिक्रो कर जाती थी और इसी तरह हर एक सेयंस के साथ भी टेल में ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कि रेडिट्स हो गया, वेजिटा हो गया और साथ ही साथ नापा, और हाँ साथ ही साथ हाइब्रिड सेयन के पास भी टेल होती है, जैसे कि जब गोहान पैदा हुआ था सेयन सागा के बाद उसकी टेल तो काट दी गई थी बट जब वो पैदा हुआ था तो उसके पास उस टाइम पे टेल थी जो कि हमें देखने को मिली थी। किसी के पास भी टेल नहीं होती आगे जाकर हमें ये बात कंफर्म हो गई थी बिकॉज बू सागा में हमने जब गोटेन और ट्रंक्स के पास देखा तो उनके पास भी टेल्स नहीं थी और वो उन्हें कभी रीग्रो भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो रीग्रो इसलिए भी नहीं कर पाए और प्रूफ ये भी है क्योंकि हम ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे एंड उसकी जो है मांगास वो भी देख चुके हैं और उनके पास टेल्स बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये बात शायद सेंस बनाती है कि टेल्स अब सेयंस के पास ग्रो नहीं होती और वो कभी उन्हें रीग्रो भी नहीं कर पाते, शायद उनकी बर्थ पर उनकी टेल्स काट दी हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस रीग्रो हो जाए। बट अगर ऐसी बात है तो उन्हें रीग्रो अब तक हो जाना चाहिए था एंड यही बात सेंस नहीं बनाती कि वो अब तक रीग्रो क्यों नहीं हुई। हमें एक बात तो पता है कि टोरियामा को टेल बनाना पसंद नहीं था, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने उस टेल को गायब ही इसलिए कर दिया हो। एंड अगर हम इस बात को गौर करें तो ये ड्रैगन बॉल की आज तक की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। नंबर 7। सुपर सैयन गॉड की मिस्ट्री। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जब गोकू सुपर सैयन गॉड अचीव करता है तो उसको अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आगे जाकर उसको अपनी पावर पर कंट्रोल आता जाता है। ये फॉर्म सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होती है और गोकू इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन जब वो सुपर सैयन गॉड में होता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें होती हैं, जैसे जब भी रस उसको मार देता है
तो उसकी बॉडी खुद ही जनरेट हो जाती है सुपर सैयन गॉड की पावर से। लेकिन आगे जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होता और गोकू सिर्फ इसको एक दफा ही करता है। और जब गोकू बीरस की हकाई से क्लैश कर रहा होता है तो वो हार मानने वाला होता है, लेकिन अचानक से वो बोलता है कि सुपर सैयन गॉड की पावर उसको बोल रही है कि हार ना माने। की शक्ति ने मुझे साफ साफ कहा है, और उसने क्या कहा पता है? जितना जोर लगाओगे उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। और वो ये एनिमे के अंदर भी करता है और मांगा के अंदर भी करता है। तो ये सुपर सैयन गॉड की पावर है कौन? तो फैंस की थ्योरी है ये और कोई नहीं बल्कि यामोशी है, जो कि सबसे पहला सुपर सैयन गॉड था। और वो सुपर सैयन गॉड के साथ एक बन चुका है और अब वो गो की मदद कर रहा था, और इसलिए बीरस को सुपर सैयन गॉड का ड्रीम आया। यामोशी एक साफ दिल के सैयन को ढूंढ रहा था जो कि सुपर सैयन गॉड को इनहेरिट कर सके, और तभी जब उसको गोक मिला तो वो बीरस के ड्रीम में आया ताकि वो सुपर सैयन गॉड उसको दिखा सके। और बीरस अर्थ पर आ गया ताकि वो गोकू ढूंढ सके। अगर बीरस कभी नहीं आता तो गोकू कभी सुपर सैयन गॉड अचीव नहीं करता। और बीरस इसलिए आया क्योंकि उसको सपना आया, और ये सपना उसको यामोशी की वजह से आया। और यामोशी गोकू से बोलता भी है कि वो हार ना माने, क्योंकि ये पावर सिर्फ एक साफ दिल के सैयन के लिए बनी है। लेकिन आगे जाकर हमें बहुत कुछ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि गोकू पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सुपर सैयन गॉड इस्तेमाल करता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और शायद ये हमें आगे जाकर देखने को मिले भी। नंबर 8। एंड हम आगे चलते हैं एक और काफी ज्यादा मेन एंड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जब फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में गोकू ब्लैक आया था तो फाइट काफी चली थी, एंड उन सारे लोगों को मरता देगा, एंड काफी सारे प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से फ्यूचर ट्रंक्स ने एक ऐसी पावर अचीव करी जो कि आज तक गोकू वेजिटा भी अचीव नहीं कर पाए, वो थी सुपर सैयन रेज फॉर्म। आखिर ट्रंक्स ने सुपर सैयन रेज को कैसे अचीव किया? फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में जब गोकू ब्लैक और जामासु के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता तो ट्रंक्स रेज में आके एक न्यू फॉर्म अचीव कर लेता है जो कि सुपर सैयन 2 की ही अपग्रेडेड वर्जन होती है। उस फॉर्म में वो गोकू ब्लैक से लड़ पा रहा था, लेकिन ये फॉर्म और क्या ये ट्रंक्स ने किसी तरह अचीव किए, यानी किस तरह अचीव किए जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बताना। क्या ये हमें कभी एक्सप्लेन किया जाएगा? बिकॉज आज तक तो हमें ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बिकॉज बाद में जाकर ट्रंक्स स्प्लिट फ्यूजन भी बनाता है, यानी वो स्प्लिट बॉम्ब भी यूज करता है जिससे वो अपने स्प्लिट स्वॉर्ड बनाता है, लेकिन उसने कभी किंग काई के साथ ट्रेनिंग नहीं की, तो आखिर उसे स्प्लिट बॉम्ब बनाना कहाँ से आया? ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री है। एंड अगर हम और आगे चले तो मांगा में उसके पास एक हीलिंग एबिलिटी भी आ जाती है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि ट्रंक्स के पास ये सारी चीज़ें कैसे आई और कैसे सब कुछ कर पाया। बट अगर हम बात करें हीलिंग एबिलिटीज़ के बारे में, तो ट्रंक्स ने बताया था कि उसके टाइम पे माजिन बू एंड डाबुरा वाले भी आए थे, तो हो सकता है ट्रंक्स फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर ही कायोशिन से मिला हो एंड कायोशिन ने ही उसको ऐसी हीलिंग एबिलिटीज़ के बारे में बताया हो। बट हमें आज तक इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है, और यही ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 9। सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर कौन है? हमें पता है कि सारे ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर्स होते हैं, जैसे आज के ड्रैगन बॉल के क्रिएटर था और वो था कामी, लेकिन जब वो पिकोलो के साथ फ्यूज हो गया तो वो ड्रैगन बॉल्स को भी खो देते हैं, और बाद में उसकी जगह लेता है डेंडे जो कि अपने ड्रैगन बॉल्स बनाता है जो कि 3 विश ले सकते हैं और किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, और ये पहले वाले ड्रैगन बॉल से एक बहुत बड़ा अपग्रेड होता है। इसी तरह नमेकन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर होता है गुरु, जो कि फ्रीजा सागा के एंड में मार जाता है और उसके बाद एक नया क्रिएटर आता है। और इसी तरह सेरिलियन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर होता है मोनाइटो, जो कि हमें ग्रैंड आर्क में देखने को मिला भी था। तो सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर कौन है? हमें उसका नाम तो पता है और उसका नाम है जलामा, लेकिन हमने उसको कभी देखा नहीं है। और हमें पता है कि ड्रैगन बॉल की पावर्स उसके क्रिएटर से लिंक होती है, जैसे अर्थ के ड्रैगन बॉल्स सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ नहीं सकते क्योंकि शेनरॉन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको ढूंढ सके, और शेनरॉन की पावर लिंक है डंडे से। तो इसका मतलब अगर सुपर ड्रैगन बॉल्स इरेज यूनिवर्सेस को वापस ला सकता है तो उसका क्रिएटर कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा? शायद वो जेनो से भी ज्यादा स्ट्रांग हो और वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट मॉडल हो, लेकिन हमने उसको एक दफा भी नहीं देखा है। अगर वो जेनो से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ तो ग्रैंड पी से ज्यादा स्ट्रांग तो जरूर होगा, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्सस को वापस ला सकता है और वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो जलामा के पास भी इतनी पावर होगी कि पूरे मल्टीवर्स के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने उसको आज तक देखा नहीं है और वो ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। और नंबर 1 से पहले अगर तुमने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और नंबर 1 पे है मल्टीवर्स के 5 स्ट्रांगेस्ट वॉरियर्स कौन है। जब भी इस गोकू को ग्रैंड पीस के पास ले जाता है तो गोकू ग्रैंड पीस से फाइट करने की बात करता है, लेकिन वीस बताता है कि ग्रैंड पीस पूरे मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉरियर्स में से एक है और उसके अलावा 5 और स्ट्रांगेस्ट वॉरियर्स हैं पूरे मल्टीवर्स के अंदर। तो ग्रैंड मिनिस्टर का नाम सभी यूनिवर्सेस के टॉप 5 फाइटर्स में आता है। क्या? ये तो ऑसम। और ये 5 स्ट्रांगेस्ट वॉरियर्स हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं, वो टोन ऑफ पावर के अंदर भी नहीं थे,
और उसके अलावा हमने उनको कभी देखा भी नहीं है। शायद जला में भी इन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक हो, लेकिन बाकी 4 का क्या? कौन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स और वो कहाँ पर हैं? जब गोकू ब्लैक ने सारे डिस्ट्रॉयर्स को मार दिया था और उनके सुप्रीम काई को मार दिया था, तब वो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स कहाँ थे? उनका नामो निशान नहीं था और उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने दिया गोकू ब्लैक के हाथों, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। ना ही वो टोन ऑफ पार्क के अंदर थे और ना ही वो कहीं भी दिखते हैं। शायद वो डीमन रियम से हों या फिर एंजल रियम से, और उनकी पावर किस लेवल पर है, क्या वो गैंट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता, और ये ड्रैगन बॉल की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन आगे जाकर हमें जरूर इसके बारे में जरूर पता चलेगा। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ। तो गाइस, मैं भी जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लास्ट वीक से लाइक करें, स्वयं स्वॉट के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल कर लें, क्योंकि इनका कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है एंड आने वाले टाइम में भी ये वैसे ही कमाल की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड अगर फ्यूचर में हुआ तो हम लोग फिर से कभी कोलैबोरेशन वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को भी चेकआउट नहीं किया है तो मैंने अपना मेन चैनल छोड़ के दूसरा सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, वेजिटा वाइट 2 या वेजिटा ब्लैक 2 भी आप उसे कह सकते हैं। सीएन स्वॉट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सीएन स्वॉट और मेरे व्यूअर्स और सीएन स्वॉट के व्यूअर्स, मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रेंड, मेरी तरफ से तो गुड बाय। और थैंक यू वेजिटा ब्लैक का मेरे साथ कोलैब करने के लिए। अगर तुमने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे लाइक कर दो और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।